गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको जो पोयम है चंदा मामा उसको एक्सप्लेन करी है। अब हम आते हैं इसके पार्ट टू मतलब क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहले मीनिंग पोल, पोल मीन्स होता है राज, चंदा, चंदा मीन्स चंद्रमा, दिन, दिन मीन्स दिवस, संग, संग मीन्स साथ, सितारे मीन्स तारे। इन मीनिंग को आपको लर्न होने चाहिए। पोल, पोल मीन्स राज, चंदा, चंदा मीन्स चंद्रमा, दिन, दिन मीन्स दिवस, संग मतलब साथ, सितारे मीन्स तारे। सही उच्चारण कीजिए, मतलब सही उच्चारण के साथ हमको इन शब्दों को पढ़ना है। गोल मटोल, आधे, फिर संग, छिप और सितारे। फिर क्वेश्चन आपको समझने, चंदा मामा कब दिखाई देता है? तो चंदा मामा दिन में दिखाई देता है। चंदा मामा कैसे रंग के होते हैं? तो चंदा मामा का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, उजला सा। फिर लिखित रिटर्न में सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। चंदा मामा कैसे है? ऑप्शन दिए है गोल मटोल, लंबे चौड़े, दुबले पतले। तो चंदा मामा कैसे है? गोल मटोल है। तो किस ऑप्शन पे राइट का टिक करोगे? आप लोग करोगे गोल मटोल। चंदा मामा गोल मटोल है। चंदा मामा कब आते हैं? ऑप्शन है रात में, दिन में, सुबह। तो कब आते हैं, कब हमको चंदा मामा दिखाई देते हैं? तो रात में। तो फर्स्ट ऑप्शन रात में, उसमें हम टिक करेंगे। पूरा आंसर आएगा चंदा मामा रात में आते हैं। फिर चंदा मामा अपने साथ क्या लाते हैं? ऑप्शन है सूरज, सितारे और हवा। तो चंदा मामा अपने साथ किसको लेकर आते हैं? सितारे के लिए। तो सही आंसर आएगा सितारे। तो जो सितारे दिए हुए उसके ऊपर आप उस ऑब्जेक्टिव पे टिप करोगे। चंदा मामा अपने साथ सितारे लाते हैं। फिर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कल थे आधे आज गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कल थे आधे आज गोल, खोल भी दो अपनी पोल। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कल थे आधे आज गोल, खोल भी दो अब अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते, संग साथ सितारे लाते, लेकिन दिन में कहाँ छिप जाते, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। फिर मिलते जुलते शब्दों का मिलान करना है। राइमिंग वर्ड्स जो है उन राइमिंग वर्ड्स पे आपको मिलान करना है। जैसे गोल, तो आपको शब्द दिए गए हैं जाते, खोल, नानी, मटोल और तब। तो गोल का राइमिंग वर्ड्स कौन सा हो गया? मिलता जुलता मटोल, इसलिए क्या आ जाएगा? गोल मटोल। फिर दूसरा है लाते, तो शब्द दिए गए हैं जाते, खोल, नानी, मटोल, तब। तो जैसे गोल का एक शब्द हो गया मटोल, इसलिए उस शब्द को छोड़ देंगे। फिर लाते, लाते का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया? लाते तो जाते। पोल, तो अब शब्द बचे खोल, नानी और तब। तो पोल का राइमिंग वर्ड्स हो गया खोल, पोल, खोल। अब शब्द बचे है अब के लिए क्या आएगा? नानी या तब। तो अब का राइमिंग वर्ड्स आया तब, तो अब का तब। अब सिर्फ एक शब्द बचा है नानी, तो पानी का राइमिंग वर्ड्स नानी, पानी, नानी। एक बार फिर से देखो, गोल मटोल, लाते जाते, पोल खोल, अब तब, पानी नानी। फिर क्वेश्चन है पढ़िए समझिए और लिखिए। टोकरी बहुत बड़ी थी, तो अब शब्द दिया, देखो इसमें एक आपको दिया हुआ टोकरा बहुत बड़ा था, तो दूसरा शब्द है शिवानी बहुत भली है। तो भली का क्या आ जाएगा? अपोजिट भला। तो जैसे क्या आ जाएगा? शिवानी बहुत भली है, तो यहाँ शब्द आएगा राम बहुत भला है। लड़का बहुत लंबा है, तो लंबा का क्या हो जाएगा? लंबी। तो लड़की बहुत लंबी है।
का शब्द जैसे बने, टोकरी बहुत बड़ी थी, टोकरा बहुत बड़ा था, शिवानी बहुत भली है, राम बहुत भला है, लड़का बहुत लंबा है तो लड़की बहुत लंबी है। फिर इन बिंदुओं को मिलाना है और बिंदुओं को मिलाकर पूरा करना है, इन चित्रों को पूरा करना है। तो बिंदु मिलाएंगे तो देखो चंदा मामा पहले कैसे रहेंगे, संतरे की चीर के जैसे उस बिंदु को मिलाओगे, तो फिर दूसरे पिक्चर को मिलाओगे तब चंद्र मामा जो है वो आधे से ऊपर गोल जैसे हो जाएंगे चंदा की। फिर तीसरे चित्र को आप डॉट को मिलाओगे तो चंदा मामा पूरे गोल बन जाएंगे। और इस कविता को आपको पूरी लर्न करनी है।